नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा छठी जो एससीईआरटी की किताब है विज्ञान, उसमें पहला पाठ है आपका हमारा पर्यावरण, उसे ही समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण का एक साधारण सा अर्थ जब संधि विच्छेद करते हैं ना उसका, तो परि और आवरण दो भागों में उसको तोड़ देते हैं। तो जो परि है इसका मतलब उसके आसपास, और आवरण यानी घेरे हुए। तो उसकी परिभाषा क्या बनी हुई है कि वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, या हमारे चारों ओर का वह आवरण या परिवेश जिसमें हम रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। याद हो जाएगा ना आपको कि वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, या हमारे चारों ओर का वह वातावरण या परिवेश जिसमें हम रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। और इसी कारण तो हम सब मिलकर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आपने भी मनाया था ना हम सबने मिलकर, और उस दिन हम सब क्या करते हैं, तो पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? वो इसलिए लेते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है ना हमारी, उसमें हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को पर्यावरण का प्रमुख घटक मानते हैं, और इन्हीं को हम 5 तत्वों के नाम से भी जानते हैं। तो छोटी सी बात थी जो आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण को हम 2 प्रकार से याद कर सकते हैं, पहला सामाजिक पर्यावरण और दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण। अब आप देखिए कि सामाजिक पर्यावरण किसे कहते हैं, आपको जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, समाज में जो भी निहित है, प्रत्येक व्यक्ति, उनके बीच होने वाले समस्त सामाजिक गतिविधियां, सब मिलकर स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करती है। अब स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण क्या होता है कोई पूछे आपसे, तो कैसे कहोगे आप? तो उसके लिए भी हमें इसे कुछ बिंदुओं में बांटकर याद करना पड़ेगा। तो कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं? पहला, हम मानते हैं कि ये बिंदु हो सकता है कि शांति होना चाहिए सब तरफ। तो शांति समाज का एक अभिन्न अंग है। परिवार, देश और समाज में हमेशा शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कक्षा में ऐसे कि आप शांत बनाए रखते हो तो आपको सबको समझ में आता है ना। इसी तरीके से आपस में आप सब मिलजुल कर भी रहते हो, तो दूसरा घटक कौन सा माना जा सकता है? भाईचारा और आपसी सामंजस्य। तो भाईचारे की भावना से ही एक अच्छा तालमेल स्थापित होता है। और तीसरा कौन सा है? अपने आसपास में आप लड़ाई करते हो क्या रोज? नहीं करते हो ना, तो इसीलिए पड़ोसी धर्म जिसे कहते हैं, कैसे कि हमारे आसपास या निकट पड़ोस में निवास करने वाले व्यक्तियों के प्रति हमारे मानवीय दायित्वों का अच्छे से निर्वहन ही पड़ोसी धर्म कहलाता है। अब तो आपको पता पड़ गया, आप आपस में खूब मिलजुल कर रहना, सारे त्योहार मनाना। और फिर अगला और क्या हो सकता है इसमें घटक? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। कौन कौन सी हो सकती है सार्वजनिक संपत्ति? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता, इन्हें सार्वजनिक संपत्ति कहा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपको भी पता है सबको, अस्पताल है, उद्यान है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, बसें हैं, ट्रेन, पोस्ट ऑफिस, बैंक एवं अन्य ऐसे ही स्थान। इसके साथ ही ऐतिहासिक इमारतें हैं, मंदिर हैं, पर्यटन स्थल हैं। इसका मतलब तो ये हुआ जहां हम सब बहुत सारे लोग मिलकर जाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो सब क्या हो गए? वो सब मिलकर सार्वजनिक संपत्ति हो गई। और जब वो सबकी संपत्ति होती है तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हमें उन स्थानों को सुरक्षित रखना है। इसीलिए ऐसे स्थानों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित रखना हमारी जवाबदारी बन जाती है। तो ये सब इतनी सारी बातें काय में आएंगी सामाजिक पर्यावरण में। अब दूसरी वाली कौन सी बिंदु था सामाजिक पर्यावरण के बाद में? हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। जो प्रकृति से मिले वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएगा, इसे भी देखते हैं। चलिए हम तो हमारे आसपास उपस्थित वे वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक पर्यावरण बनाती हैं। पर प्रकृति में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कहते हो किसी में जान है, किसी में जान नहीं है, मतलब जीवित भी है कुछ वस्तुएं और कुछ वस्तुएं अजीवित है। इसीलिए जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको 2 प्रमुख घटकों में बांट कर हम समझते हैं। तो पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। अब जैविक घटक कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन है, हम कहते हैं उनको जैविक घटक। आपसे पूछेंगे उदाहरण तो आप तो बहुत जल्दी बताते जाओगे, क्योंकि आप सबको पता है पशु पक्षी, जंतु, पेड़ पौधे
और सूक्ष्म जीव ये सभी कौन कौन से हैं? जैविक घटक हैं। इसका मतलब अगर हम इसका जो एएलएम पढ़ते हैं ना आप लोग एएलएम मेथड से, तो उसके अंदर अगर हम आपसे कहें कि आपको एक माइंड मैप बनाना है, तो आप कैसे बनाते हो? जैविक घटक, फिर वस्तु लिखते हो, वनस्पति लिखते हो, फिर जंतु लिखते हो, फिर सूक्ष्म जीव लिखते हो। इस माइंड मैप का मतलब होता है छोटी छोटी सी टिप्स हम बनाए, मार्क बनाए, और उनके आधार पर हम अपने पूरे पाठ को समरी के रूप में जल्दी से याद कर ले। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, अजैविक घटक। तो प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन नहीं है, जैसे उसमें जीवन था तो इनमें जीवन नहीं है, किंतु जीवन को आधार प्रदान करते हैं, वे जैविक घटक कहलाते हैं। कौन कौन से हैं ये जो भारतीय संस्कृति ने माने हैं? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल एवं वायु, जिनको हमने पहले पढ़ा था कि नहीं, पंच तत्व कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं यहाँ पर? अजैविक घटक। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी, तो पृथ्वी में तो सब कुछ आ जाता है, आकाश, आकाश में भी सब कुछ आ जाता है, तो इसको भी अलग अलग बांट कर वर्गीकृत कर दिया, जिससे कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में भी आ जाए और जल्दी भी याद हो जाए। तो हम सबसे पहले हम आकाश को देखते हैं कि आकाश में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आकाश में सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, तारे होते हैं और ग्रह होते हैं, सब अजैविक घटक कहलाते हैं। अब आप आइए वायु पर। वायु मतलब हमारे चारों ओर की हवा। हवा में क्या क्या होता है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, आपको मालूम है ना, हमने पहले भी पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, और बहुत और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी हम इन चीजों के बारे में इतना ही जानते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी गैसों का जो मिश्रण होता है वही वायु कहलाती है। जलवाष्प भी होती है वायु के अंदर। अगला घटक कौन सा है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी में क्या क्या चीजें हैं? बहुत बड़ा मैदान होता है, अकेला मैदान थोड़ी होता है वहां पर, फिर पर्वत भी होते हैं, पठार भी होते हैं, और उन सब में बहुत सारे खनिज लवण भी मिलते हैं। जब खुदाई होती है तब आपने देखा है ना, आप खनिज लवण प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, ऐसे बहुत तरह की अलग अलग तरह की चीजें जो हमारे काम में आती हैं, हम शुद्धिकरण करते हैं इन खनिजों का, तब हमें प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद में एक और अजैविक घटक है जो कि जल। अब जल कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, वो सारे के सारे उसके घटक कहलाएंगे। तो जल प्राप्त होता है हमें समुद्रों से, नदियों से, तालाबों से, झरनों से, और भूमिगत जल, बोरिंग होता है कि नहीं आपके आसपास में, जब मकान बनता है या अपने घर में पानी चाहिए तो भूमिगत जल कहलाता है। और अन्य कैसा भी जल, कहीं से भी आ जाए पानी, बारिश से आ गया या कहीं और से आ गया, तो हम उसे किस श्रेणी में लेंगे? अन्य जल की श्रेणी में। अब हम देखते हैं कि जो हमने इतना बड़ा सब कुछ पढ़ा तो उसका महत्व क्या है। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, तब इनका महत्व क्या है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी एवं आवश्यक होती हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। इसको एक छोटे से माइंड मैप के द्वारा बना दिया ऐसे कि प्राकृतिक संसाधन बना दिया, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश और भूमि। धन्यवाद बच्चों, अब हम अगली और जानकारी इस पार्ट की अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, ओके।